अनगामा पंचायत में जनसुराज पार्टी के नेतृत्व में एक फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जनसुराज पार्टी की नेत्री डॉक्टर फरत आरा बेगम ने किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। इस शिविर में डॉक्टर आलिया परवीन और उनकी टीम ने निःशुल्क जाँच और दवाइयों का वितरण किया। बनगामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आदिल हुसैन ने इस प्रयास की सराहना की। यहाँ पे दवाई वाई जो देता है तो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और फ्री का दवाई मिलता है और सबको बढ़िया दवाई दिया है और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ। जो जैसा दवाई मांगा वो सबको दिया और इलाज भी बढ़िया किया है। मोहम्मद अशफाक। कैंप तो अच्छा रहा और हमने चलते फिरते लोगों से भी पूछा तो बोला कि दवाई मिला है और जो हमने बताया उस हिसाब से दवाई दिया। पेशेंट अपने अपने हिसाब से जो बीमारी है उनके बारे में बता के दवाई लिया और चलते फिरते रास्ते में हमने तहकीक भी किया, वो सही बताया। इस तरह का यहाँ पर ज़्यादा अधिकतर पेशेंट आए, कौन सी बीमारी के लेकर? यहाँ पे है डायबिटीज पेशेंट है, ये तो बहुत अच्छे काम है, उसमें मैडम का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसी तरह कैंप लगाते रहें, गरीबों का भला होता रहे। आप लोगों का पूरा समर्थन है? हाँ तो है, अच्छा है। 5 दिन तक खिलाइएगा। पंचायत प्रतिनिधि बन गए। यहाँ पे बदगामा में फ्री कैंप लगाया गया है डॉक्टर फरहत आला के एहतियात से। यहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे से फ्री कैंप स्टार्ट किए हैं और अभी तक लगभग 150 पेशेंट हम लोगों ने देख रखा है। और यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट जो है देखा गया है जो वीकनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंट आए हैं, जिनको हड्डियों में दर्द काफ़ी लोगों ने बताया है। और अभी कंटिन्यू 4 बजे तक हमारा रहेगा और आगे देखते हैं और कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं। आपको आज यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? सिर्फ मतलब आज हम लोग यहाँ पे फ्री में देख रहे हैं, फ्री में पूरा मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास ब्लड शुगर का टेस्ट भी हो रहा है, बीपी वगैरह वाइटल सब कुछ हम लोग मुफ्त में देख रहे हैं। आज मेडिसिन भी इंक्लूडेड है जी। अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर आलिया परवीन, मैं MBBS नेपाल त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से की हूँ और अभी मैं DMCH में अभी वहाँ पे जॉब पे हूँ, मनु चिकित्सक विभाग साइकेट्रिक विभाग में। और मेरा एक्सपीरियंस ऑप्स गैनी में भी रहा है, मैं वहाँ पे भी 3 साल का सेवा की हूँ। मैम, आपके सौजन्य से आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, किस मकसद के तहत ये कैंप लगाया गया? मैं डॉक्टर फरहत आरा, मैं आप लोगों से बार बार बताती हूँ कि मैं अररिया की बेटी हूँ। अररिया की सरजमीन से, अररिया की जनता से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। यहाँ के जनता की जो तकलीफ है उसको मैं शुरू से देखती आई और जहाँ तक पहले भी मैं कोशिश करती रही हर क्षेत्र में के सहयोग, जहाँ तक हमसे सहयोग बन पाता था मैं देती थी। लेकिन जब से मेरा जो है रिटायरमेंट हुआ है, मैं प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हूँ, उसके बाद से मेरी जो मकसद है वो पूरे अररिया वासियों के लिए मैं समर्पित हूँ। और सबसे पहले जो अररिया का जो हम लोग देखेंगे, स्वास्थ्य जो है वो बहुत बदहाल है कि घर घर में जो बीमारी है और जो पेशेंट है उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि आपको कौन बीमारी है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस तरह से आपके इलाज किया जाएगा। तो इन सारी स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को देखते हुए मेरा पहले स्वास्थ्य से मैंने शुरू किया है और फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया कि जहां हम जिस पेशेंट को देखेंगे हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो और पैसे के अभाव में वो दवा नहीं ले सके, इसलिए मैंने फ्री मेडिसिन भी अपने तरफ से प्रोवाइड किया और जो है दिया जा रहा है। ये जन स्वराज की ओर से, क्योंकि मैं जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ, प्रशांत किशोर जी मेरे आइडियल हैं, जो है मेरे आला कमान हैं और कोई भी काम मैं करूँगी तो जन स्वराज के सौजन से ही करूँगी।